हेलो फ्रेंड्स, आज के ज़माने में जब हम मैक्सिमम शॉपिंग ऑनलाइन करते हैं तो पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो बच्चे को कौन सा विटामिन दें। आफ्टर ऑल, अगर आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं और विटामिन्स टाइप करते हैं तो आपको अनेकों ब्रांड्स मार्केट में दिखते हैं। अब इनमें से सही विटामिन कौन सा है जो हम अपने बच्चे के लिए चूज करें, ये एक टफ क्वेश्चन है। मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप दो या तीन चीजों पे ध्यान दें। नंबर वन, उस ब्रांड में जो आप चूज कर रहे हैं कितने विटामिन हैं और कितनी क्वांटिटी में हैं। क्या एक चम्मच, अगर आप सिरप की बात करें या अगर हम एक गमी विटामिन की बात करें जो जेली टॉफी जैसा है, एक टॉफी में कितना विटामिन है? नॉर्मली स्पीकिंग, एक चम्मच या एक टॉफी में 100% ऑफ RDA यानी रिकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ विटामिन होना चाहिए। जैसे कि अगर हम सिंपल एग्जांपल लें, अब बच्चों को कम से कम भी 400 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन डी की ज़रूरत होती है। तो अगर आप कोई भी विटामिन ले रहे हैं, ये चेक करें कि उसके अंदर एक चम्मच में या एक टॉफी में कम से कम 200 से 400 यूनिट ऑफ विटामिन डी हो, अन्यथा आपको इतना ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा कि वो ना बच्चा खाएगा और ना आप उसे दे पाएंगे। बाकी विटामिन्स भी जब आप देखते हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि उसकी क्वांटिटी जो है वो प्रॉपर हो। मार्केट में कई विटामिन्स ऐसे हैं जिनकी आपको 6-6 चम्मच या 6-6 टैबलेट लेनी पड़ेंगी पूरी की पूरी एक दिन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, और कोई बच्चा या इवन बड़ा भी इतनी डोज नहीं ले पाएगा। सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि क्या इस विटामिन के अंदर नेचुरल कलर्स, नेचुरल फ्लेवर्स हैं ताकि बच्चे को कोई रिएक्शन ना हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो कॉमन चीज़ें हैं जिनसे बच्चों को एलर्जी हो सकती है, जिससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या जो बच्चे को जिसको ज़रूरत नहीं है, वो इस विटामिन में ज़्यादा ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम जूबियर्स की बात करें तो इसमें जेलेटिन नहीं है यानी कि ये 100% वेजिटेरियन है। इसमें ग्लूटेन नहीं है, अगर आपके बच्चे को वीट एलर्जी हो तो भी ये यूज़ हो सकता है, और ये डेयरी और फैट से भी मुक्त है ताकि हम बच्चे को कोई भी अननेसेसरी चीज़ ना दें। थैंक यू।